वेलकम टू यात्री इन्फो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से यात्री इन्फो में। मैं हूं प्रदीप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं यात्री इन्फो। दोस्तों, आज का व्लॉग बड़ा स्पेशल व्लॉग होने वाला है। आज मैं मुंबई की फिल्म सिटी में आया हूं। मेरे पीछे आप जो गेट देख रहे हैं, दादा साहेब फाल्के चित्रकारी, ये मुंबई का फिल्म सिटी एरिया है। आप काफ़ी बॉलीवुड मूवी में आपने देखा होगा कि एक ही टेंपल और एक ही पुलिस स्टेशन, एक ही हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग होती है। हालांकि मूर्तियां चेंज हो जाती हैं, पूरा का पूरा सेट चेंज हो जाता है, तो वो सारा का सारा यहीं होता है, अंदर होता है। तो इसकी मैं टिकट आपको बता देता हूँ, इसकी जो टिकट है वो इंडियन के लिए 999 रुपीज़ है, और जो फॉरनर हैं उनके लिए है 3000 रुपीज़। फर्स्ट बस जो है वो 10:30 बजे चली जाती है, 11:30 बजे आई थिंक, और जो सेकंड स्लॉट है वो 12:30 है। तो मैंने सेकंड स्लॉट बुक किया है, उसके बाद 2 स्लॉट और आई थिंक ये बस आ चुकी है मुंबई फिल्म सिटी की। तो ये टोटल 3 घंटे का टूर होगा। तो आइए मेरे साथ आपको, हालांकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकेगी मैं आपको दूंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए यात्री इन्फो। अभी एंट्री शुरू हो गई है, और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि एंट्री जो हुई है, और जो बस में सिटिंग प्लान है वो कोई सीट नंबर नहीं दे रहे, लेकिन जैसे जिन्होंने पहले टिकट बुक की थी तो इन्होंने एक चार्ट बना लिया, उस अकॉर्डिंग वो नाम ले लेके बुला के, और उस अकॉर्डिंग वो सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि आप पहले ही आइए, ताकि, हालाँकि मैंने लास्ट में बुकिंग की है 12:15 के करीब, जब 12:30, लेकिन फिर मेरे को पीछे बताएँगे। चलो जी, टूर स्टार्ट हो गया है और अभी बस चल रही है। सीरियल्स के ना, सीरियल्स के 90% जो हिंदी सीरियल्स आप देखते हो ना, वो फिल्म सिटी में होते हैं। ओके, उसके तारक मेहता का ऑल सेट हो गया है, सभी बैठ गए हैं, और साथ में हमें एक गाइड टूर मिला है, वो सारा हमें एक्सप्लेन करेगा। आपको बता दूं तो आपके दिल में ये तमन्ना होगी और भाटिया भी होगी कि आर्टिस्ट के साथ में फोटोज क्लिक करवाना या सेट्स के अंदर लेके जाना, ये वैसा टूर नहीं है। सो प्लीज कोई रिक्वेस्ट ना करें। आप यहाँ पर बॉलीवुड थीम पार्क बनाया गया है, जिसके अंदर आपके लाइव परफॉर्मेंस होते हैं, जैसे लाइक कॉमेडी, सिंगिंग, डांसिंग, और उसके बाद में आपका सेकंड वन है टेक्निकल फ्लोर है। उसके बाद में जो फिल्में हम देखते हैं, उसकी फिल्मों के पीछे की जो कहानी होती है वो आपको टेक्निकल फ्लोर पे दिखाया जाएगा। उसके बाद में आपका थर्ड वन जो होगा वो 70 सिनेमा है। 70 सिनेमा में आपको 70 सिनेमा दिखाया जाएगा। बड़े से बड़े हमारे बॉलीवुड पार्क में सेट्स बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत फोटोज और वीडियोस क्लिक करने के लिए रील्स भी बना सकते हो आप। उसके लिए आपने पद्मावत देखी होगी, पद्मावत में जो राजस्थान का लुक दिखाया गया है, एक्चुअली राजस्थान वो शूट करने गए थे, बट वहां से कुछ रिलीजन की वजह से थोड़ा सा उनको भगा दिया गया। उसके बाद में उन्होंने आर्ट डायरेक्टर को लेके, यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में आप जो सेट देख रहे हो, ये बड़ा सा सेट एक्चुअली ये है बंसाली साहब का सेट। यहाँ पर अभी शूट जो अंदर हो रही है, हीरा मंडी की शूट हो रही है। हीरा मंडी जो अभी फिलहाल के लिए जो अपकमिंग उनकी मूवी है बंसाली साहब की, जिसमें हमारी सोनाक्षी मैम है और मनीषा कोइराला और माधुरी दीक्षित, जो OTT पे फर्स्ट टाइम बंसाली साहब नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर रहे हैं। इसी के अंदर पूरा का पूरा कामाटीपुरा बसा हुआ है। अभी वही कामाटीपुरा आपको हीरा मंडी में भी दिखाई देगा एज अ चौल, उसको थोड़ा सा तोड़ फोड़ के मॉडिफाई करके आपको दिखाया जाएगा। चलिए, उसके साथ में लेफ्ट हैंड साइड में आपको सेम सेट नजर आएगा, थोड़ा सा छोटा सा है, ये है जोकर मैदान। जिस सेट, जिस मैदान पे खड़ा है उसे कहते हैं जोकर मैदान। जोकर मैदान इसलिए कहते हैं जो कि जोकर मैदान, जोकर मूवी में आपने पगलापुर देखा होगा, ओके, जो पागल लोग रहते हैं जिस गांव में, एक्चुअली इसी मैदान पे वो सीन दर्शाया गया था। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर जो फरहान अख्तर की अपकमिंग मूवी आ रही है, किसी को ज्यादा पता नहीं, न्यूज में भी नहीं है, अग्नि मूवी करके, अग्नि नाम की एक मूवी आ रही है फरहान अख्तर की, जो लीड कर रहे हैं, इसी जगह पर पूरा का पूरा कोंडाना फोर्ट दर्शाया गया था। आपको बता दूं पर कोंडाना फोर्ट पे शूट नहीं हुआ था, जिस यहाँ पर जो सेट लगाया था, इसका पूरा का पूरा जो तानाजी मूवी की शूट हुई है एक्चुअली एक क्रोमा फ्लोर पे हुई, इसी का विजुअल पार्ट उसको उठा के जो क्रोमा फ्लोर पे ऐड किया जाता है, उसी के द्वारा हमको VFX के द्वारा हमको दिखाया जाता है, थोड़ा सा सीन रियलिस्टिक लगे इसके कारण। आपने ग्रीस 3 मूवी देखी होगी, ग्रीस 3 मूवी ऋतिक रोशन की, ये हमारी इंडिया की फर्स्ट मूवी है जिसका एक भी शूट आउटडोर में शूट नहीं हुआ है, उसका पूरा का पूरा शूट एक क्रोमा फ्लोर पे बन स्टूडियो में हुआ है। साइड में आप देख सकते हो, इसे कहते हैं अबुजा विलेज, आपको छोटे छोटे घर नजर आएंगे। ओके, जो शाहरुख भाई की एक डंकी मूवी आने वाली है अपकमिंग, उनकी मूवी, उसके अंदर डंकी मूवी सर,
डंकी जवान पठान, ये तीन मूवी में से एक डंकी मूवी आ रही है, उसके अंदर आपको ये सेम घर नजर आएंगे एज अ झोपड़पट्टी जो बनाई गई है। एक्चुअली उस घर में कोई नहीं रहता, एज अ प्रॉपर्टी उसको यूज किया जाता है। कालिया मूवी की शूट हुई थी जो बच्चन साहब की, जो 80s में आई थी शायद से, इसमें उन्होंने आइकॉनिक सा डायलॉग बोला था, जहाँ पर हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। आपने एक एपिसोड देखा होगा पोपट लाल जी का, जिनके जिंदगी में एक साइकिल वाली आती है शादी के लिए, ओके, ऊपर की तरफ से साइकिल वाली आती है, बारिश के मौसम में वो छाता लेके सिंग बेचते हुए नजर आएंगे आपको, ओके। आपको येलो कलर का BNHS का बोर्ड दिखता होगा 750 मीटर का, एक्चुअली वही बोर्ड सेम टू सेम आपको पोपट लाल जी के पीछे की तरफ नजर आएगा, ओके। राइट हैंड साइड में जो गार्डन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर अनुपमा मैम का 4 दिन से शादी चल रही थी। आप एक गार्डन को ठीक से देखिए, थोड़ा सा आपको नजर आएगा वो सीन में, अगर फिर से दोबारा देखोगे उसे। ये जो बड़ा गेट है, इसी के अंदर पूरा गोकुलधाम कोऑपरेटिव सोसाइटी बसा हुआ है, तो गैपिंग में आपको दिखेगा, पर आगे की तरफ हम लोग जब जाएंगे रोड की तरफ, तो आपको थोड़ी सी सोसाइटी क्लियर दिखाई देगी, सोसाइटी नजर आएगी आपको राइट हैंड साइड में, देख सकते हो ये है गोकुलधाम कोऑपरेटिव सोसाइटी। नागिन सीरीज जो चलती है उसका शूट चल रहा है, सो प्लीज हम नीचे उतरेंगे शूट देखने के लिए। फर्स्ट स्पॉट पे अभी उतरे हैं, यहाँ पे नागिन फिल्म मूवी नागिन कोई एपिसोड आता है, हालांकि मैं देखता नहीं हूँ, तो वहाँ पे इनकी शूटिंग चल रही है, तो वो शूटिंग दिखाने जा रहे हैं, वो सामने सेट शूटिंग का सेट लगा हुआ है, ये पूरी क्रू की टीम यहाँ पे, कैमरा लाइट एक्शन एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, और इस तरफ पूरा सेट लगा हुआ है, जो इनकी जो अपनी मार्केट होती है सारी, वो भी लगी हुई है सारी इधर, कैमरे जी। पहला जो स्पॉट था वो स्किप कर दिया इन्होंने, बिकॉज शूटिंग जो हो रही है ये लोग लोकेशन दिखाते हैं, बट कोई गारंटी नहीं है कि जो आर्टिस्ट है वो आके आपके साथ सेल्फी ले या फिर मिले, वो एज पर अवेलेबिलिटी है, कई बार ऐसा होता है कई बार नहीं भी होता। और ये भाई साहब मिले हैं गुजरात से हैं, क्या नाम आपका? निशान मारद्वाणी। निशान मारद्वाणी कहाँ से? सारगुंडला, अमरेली डिस्ट्रिक्ट का। थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है मेरे लिए लेना? कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, तो बड़े अच्छे बंदे हैं, और डिफिकल्टी लगेगा। हाँ, तो ये साथ में है, और चलो आइए आपको दिखाते हैं और क्या क्या लोकेशन पे जाएंगे, क्योंकि 3 घंटे का टूर है, और ये ना हो ऐसे ही घुमाते रहे कि दिखाई भी ना कुछ, है ना, एक अच्छा एक्सपीरियंस है, पता चल जाता है कि जो हम वीडियो मूवीज़ देखते हैं वो आखिर बनती कहाँ पे और कैसे बनती है, तो दिस इज़ नाइस एक्चुअली। तो चलो फिर मिलते हैं, जा रहे हैं बस में वापस, और मिलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे कि कहाँ पे अब लेके जाते हैं। यार ये वाली रोड भी काफ़ी यार देखी है, अभी एक कुछ दिनों में शायद से ये रिश्ता कहलाता था, आपको एक एपिसोड रिलीज जरूर नजर आएगा जिसमें अभिमन्यु जो एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, शायद से अक्षरा का कोई बॉयफ्रेंड या कुछ पति का, इस रोड को उन्होंने 450 किलोमीटर राजस्थान बताया गया था, तो ये राजस्थान का भी रोड दिखाया जाता है। ये आसपास में जितना आप जंगल वाला एरिया देख रहे हो, ये एक्चुअली पूरा का पूरा संजय नेशनल गांधी पार्क का फॉरेस्ट एरिया है, इसमें 20% भाग, जैसे बता दूं फिल्म सिटी हमारी पूरी 520 एकड़ में फैली हुई है, जिसका 80% भाग संजय नेशनल गांधी पार्क का है और 20% भाग हमारा फिल्म सिटी का, तो जहाँ जहाँ पे सेट्स है हमारे वो पूरा का पूरा फिल्म सिटी के अंडर में आता है, बाकी का पूरा फॉरेस्ट एरिया में। काफी टाइम पे इस रोड पे बड़े बड़े जानवर और लेपर्ड हमको टहलते हुए नजर आते हैं। खट्टा मिट्टा मूवी देखी होगी अपने, ओके। खट्टा मिट्टा मूवी में आपको एक सीन नजर आएगा, अगर जिस रोड से हम लोग ऊपर जा रहे हैं अभी थोड़ा राइट मार के, अब उस रोड के देखिए और एक सीन याद कीजिए कॉमेडी वाला, एक रोड रोलर आपके आंखों के सामने नजर आएगा, ओके, जो हाथी से लागते हुए रोड रोलर हमारे अक्षय बाजी ऊपर की तरफ घर की ओर लेके जाते रहते, ये रोड उसी के लिए यूज किया था, और इस ग्राउंड में उन्होंने बंगलो बनाया था, जो कि रोड रोलर रस्सी के कारण टूट जाता है और बंगलो के अंदर घुस जाता है। उसके बाद में जो ग्राउंड आपको नजर आ रहा है ये है हेलीपैड ग्राउंड,
इसकी कहानी हम आते वक्त में सुनेंगे, पहले हम जाएंगे हेलीपैड टॉप की ओर। हेलीपैड टॉप भी बहुत ही खूबसूरत और फिल्म सिटी का फेवरेट लोकेशन है शूट करने के लिए। इसके पीछे की बहुत सी कहानी है उस टॉप के लोकेशन की। तो हम नीचे उतरेंगे, फोटोज ले लेंगे और थोड़ी जानकारी सुन लेंगे। थोड़ा सा प्लीज, ये थोड़ा सा जोखिम भरा लोकेशन है, तो किसी के साथ में बच्चे हैं तो बच्चों को संभालिए और एक्साइटमेंट में यहाँ वहाँ जंगलों में मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर असली वाले सांप भी आते हैं और असली का डस्ते भी है। ओके, आइए सर प्लीज। ये जी मुंबई की फिल्म सिटी की हेलीपैड लोकेशन। आइए सुनते हैं क्या बोल रहे हैं गाइड। शूट देखा होगा सीरियल, ओके? उसमें जो नायरा जी जिस खाई में गिरी थी, एक्चुअली ये खाई वही दिखाई गई थी। ये खाई आपको थोड़ा सा गहरी नजर आ रही है, पर इसके नीचे ग्रीन कपड़ा लगा के ये इस खाई को थोड़ा सा और गहरा दिखाते हैं। जैसे अनुपमा देखते हो आप, अनुपमा सीरियल, जिसमें उनके एक अभी फैमिली मेंबर गिर गए थे जिस खाई में, और अनुपमा मैम जो रोती हुई जो सीन दिखा आपको, इन्वेस्टिगेशन जो होता है पुलिस का, जो तामझाम होता है, एक्चुअली इसी ग्राउंड पे हुआ था। अपने कहो ना प्यार है मूवी देखी होगी, कहो ना प्यार में जो अमीषा पटेल और ऋतिक रोशन जिस न्यूजीलैंड के आइलैंड में फंसते हैं, एक्चुअली वो आइलैंड न्यूजीलैंड का नहीं बल्कि हमारे फिल्म सिटी का आइलैंड है, ओके? उसके बाद में कैसा है कि जितना बीच का जितना सीन होता है एक्चुअली न्यूजीलैंड में किया गया था, बाकी का जितना अगर आइलैंड का सीन होता है हम आर्टिस्ट को वहां लेके जाके परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि जान का खतरा हो सकता है, तो ड्रोन से वो शूट उतना पोर्शन शूट किया जाता है। बाद में आर्टिस्ट एक क्रोमा फ्लोर पे परफॉर्म करता है, बाद में ये विजुअल उठा के जो क्रोमा फ्लोर पे ऐड किया जाता है उसी को हमको VFX के द्वारा दिखाया जाता है। तो हमको ऐसा लगता है रियल में, जैसे कि एवेंजर्स मूवी देखते हैं हम। किसी के फोन में जूम आउट का ऑप्शन है क्या? दे दीजिए ना। ये जी ग्रुप फोटो भी यहाँ पे खींच रहे हैं मुंबई सिटी में। वो सॉन्ग आपको नजर आएगा, तू है के नहीं, जो सॉन्ग है एक्चुअली इसी रोड पे किया गया था, उसका कुछ परसेंट पार्ट प्राइम पेट्रोल से लेके CID साउथर्न इंडिया, यहाँ पर जो लाशें पाई जाती इसी जंगल में पाई जाती। सही बात है, प्रदुमन साहब हमारे बोलते हैं कुछ तो गड़बड़ है दया, जो जैकी श्रॉफ का जो फाइट सीन है एक्चुअली, जो पीछे जो मंदिर दिखाया गया था एक्चुअली यही मंदिर है। दीवार मूवी देखी होगी आपको, 80s के जमाने में हमारी एक मूवी आई थी दीवार, बच्चन साहब की, जो उसकी मम्मी बीमार करती बच्चन साहब की, उसके बाद वो शंकर भगवान जी से लड़ने के लिए जाते हैं, आज कुछ तो बहुत होंगे वो, एक जो छोटा मोटा डायलॉग है एक्चुअली यहाँ पर ही दर्शाया गया था। उसके बाद में तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो दया बहन को जो खुशी जो बच्ची मिलती है एक्चुअली इसी मंदिर में बंद मिलती है। बागवान मूवी में जो बंगलो दिखाया गया था एक्चुअली बंगलो आपको रेड कलर में हूबहू 90 से वैसे के वैसे ही खड़ा है एक्चुअली, ये भी मेकअप रूम सी है। इसी को कोई मिल गया मूवी में जो हिल स्टेशन बताया गया था एक्चुअली आपको, वो एक्चुअली यहाँ से एक से दो घर और ऐड करके आपको ये पूरा का पूरा कश्मीर और हिमाचल का जो बताया गया था हिल स्टेशन एक्चुअली कोई मिल गया में यही बताया गया था। अब लोग नीचे उतरेंगे, इंडस्ट्री वाले वेगो को बनाते हैं। इसका जो मेन दरवाजा है वो पीछे की तरफ है, यहाँ पर दरवाजा क्यों बनाया है क्योंकि आगे की तरफ गार्डन है, तो इसको बंगलो और पुलिस स्टेशन का लुक दिया गया है इसके लिए। तो एक्चुअली ये मेकअप रूम है 70s-80s से बसा हुआ है, और जो बच्चन साहब का जो बंगलो दिखाया गया था उस बच्चन साहब के बंगलो के लिए ये भी एक बंगलो है वो, और ये बंगलो आपको जब नजर आएगा। ये है जी बंगलो जो अलग अलग लोकेशनों पे अलग अलग सेट्स पे चेंज किया जाता है, मोस्टली वैसे बागबान में देखा हुआ ये वाला। ये है वो रोड्स जहाँ पे मोस्टली शूटिंग होती है, कभी किसी लोकेशन की कभी किसी लोकेशन की, कभी यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाते हैं किसी अपने मूवी में दिखाने के लिए,
ये वही रोड्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ की फिल्म सिटी का जो मेन अट्रैक्शन है वो ये टेंपल है। ये टेंपल आपने हमेशा किसी ना किसी मूवी में ज़रूर देखा होगा। यहाँ पे मोस्टली जो है फिल्म्स है उनकी शूटिंग हुई हुई है। आइए चलती हूँ ऊपर। ये वो टेंपल, हर बार इसको कलर किया जाता है और इस टेंपल में शूज़ डाल के जा सकते हैं बिकॉज यहाँ पे कोई भी भगवान की मूर्ति स्थापित नहीं है। ये है जी वो मंदिर। अकॉर्डिंग टू शूटिंग, अकॉर्डिंग टू सेटअप, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट मूर्ति चेंज हो जाती है। कभी यहाँ पे शिव जी, कभी गणपति जी, कभी माता शेरा वाली। तो ये है फेमस अट्रैक्शन यहाँ की। ये टेंपल का आउटसाइड व्यू है। यहाँ पे कई बार हवन कुंड होता देखा, कई बार फेरे वगैरह होते हैं किसी मूवीज़ में। और इस साइड देखो जंगल ही जंगल है। ये है वो टेंपल साइड व्यू। काफ़ी मूवीज़ में आया है ये तो सबसे मेन अट्रैक्शन यही है यहाँ की। अच्छा सही है, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। चार दिन पहले यहाँ पर ऐड हो रही थी, इसी फिल्म सिटी के ब्रिज को उन्होंने लद्दाख का ब्रिज बताया था। ओके, कपिल शर्मा देखते होंगे सब सारे लोग। ओके, उसकी थोड़ी सी पीछे की कहानी आपको बता देंगे। ओके, सर को शायद से पता ही होगा। तो आपने जो 1 से 1.5 घंटे के एपिसोड जो देखते हैं उसके लिए 28 घंटा 29 घंटा शूट करना पड़ता है। ओके, तो आप बोलोगे इतना घंटा क्यों लगता है शूट करने के लिए? क्योंकि उनकी स्टार्टिंग में रिहर्सल्स होती है, फिर टेक्निकल होती है, उसके बाद में शूट होता है। ओके, जो ऑडियंस आपको दिखती है एक्चुअली वो सारे की सारी 4 से 5 लोगों को छोड़ने के बाद पूरी ऑडियंस रेंटेड होती है, जो उनको रेंट पे लेके आते हैं उनके कोऑर्डिनेटर्स, जो लड़कों के लिए 350 और लड़की लोग के लिए 400 रुपए पर डे दिलाया जाता है उनको 29 घंटों के लिए। सबसे पहले आप जब देखोगे कपिल शर्मा को अच्छे से देखना, जब कोई पंच मारता है तो सबसे पहले एक ताली बजती है, उसके बाद में बैकग्राउंड में तालियां बजती है बड़ा से। तो एक्चुअली जो पहले ताली बजाता है वो कोऑर्डिनेटर्स होता है, तो उसको सारा चीजें बताया जाता है कि कब ताली बजानी। तो जैसे कि 27-28 घंटा बैठना पड़ता है एक जगह पे, उनके आपके मोबाइल्स पे जमा किए जाते हैं। ओके, उसके बाद में आपको अगर सुसु आती तो सुसु के लिए भी नहीं छोड़ते। ओके, क्योंकि एक बार फ्रेम सेट हो गया तो एक भी बंदा फ्रेम से आउट नहीं हो सकता। जैसे कि कैमरा अगर शूट हो रहा है, शूट के दौरान अगर पैन होता है कैमरा, अगर राइट हैंड साइड में पैन होने के बाद में वही कैमरा सेम अगर लेफ्ट हैंड साइड में पैन होता है, अगर एक भी बंदा वहां से अगर गायब होता है तो पूरा का पूरा जो रोल होता है वो कट करना पड़ता है। फिर वो रोल कट करने के बाद में जो बंदा गायब होता है उसको अलग से ट्रीटमेंट किया जाता है, वो प्रोडक्शन वाले करते अच्छे तरीके से। ओके, राइट हैंड साइड में तो लोगों ने देख लिया, अभी लेफ्ट साइड वालों ने देखिए, तारक मेहता का बोर्ड नजर आएगा, गोकुलधाम कोऑपरेटिव सोसाइटी का। दादा थोड़ा आराम से जाने दीजिए आगे से। टाइम को हरा हरा बोर्ड नजर आएगा, उसमें लिखा होगा अच्छे से गोकुलधाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। चलिए दादा थोड़ा थोड़ा आगे से, आगे 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 आगे। जहाँ बहुत तकलीफ दे रहे हैं फिल्म सिटी वालों को, कंप्लेंट कर दीजिए। राशि गोकुल सोसाइटी, चलिए कंप्लेंट लेकर। ये राइट साइड में आपकी पंडा स्टोर 7 प्लेस पर सीरीज आ रही है 8:30 बजे। गोकुल धाम सोसाइटी का कम बोर्ड कहाँ गया? चला गया। शूटिंग चल रही है तारक मेहता की। ये एक्चुअली हमारे जाने माने डायरेक्टर बड़े सुभाष घाई जी। ओके, ये उनका मुक्ता आर्ट्स है। यहीं पर सारे इंडिया के जितने भी एनिमेटेड जो मूवीज और जो कार्टून्स बनते हैं एक्चुअली यहीं पर भी बनते हैं। कुछ मूवीज के बड़े बड़े मूवीज जो एनिमेटेड होते हैं एक्चुअली रेड चिली प्रोडक्शन होते हैं, जो शाहरुख भाई का जो प्रोडक्शन है वहाँ पर, क्योंकि वीएफएक्स के लिए रेड चिली बहुत फेमस है। अभी प्राइम फोकस
आगे की ओर बढ़ रहा है। आपने घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का एड देखा होगा बच्चन साहब का, ओके, उसके पीछे आपको ये बिल्डिंग जरूर नजर आएगी, क्योंकि एड पूरा का पूरा इसी मैदान में किया गया था। जिंदा था जो सॉन्ग है राउडी राठौड़ का, वो भी सॉन्ग इसी जगह पे किया गया था। उसके बाद में राइट साइड में फिर से सुभाष गाई जी का विस्टिंग वुड इंटरनेशनल स्कूल। जैसे कि अगर किसी के दिल में इच्छा होगी एक्टिंग करने की या डायरेक्टर बनने की, तो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर ईयर का जो इनका 40 लाख रुपए का जो चार्ज है, यहाँ पर पे कीजिए और यहाँ पर एडमिशन ले लिए। यहाँ पर बच्चन साहब से अनुपम खेर तक पढ़ाने के लिए आते महीने में 3 से 4 बार। यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हो आप, ये रिश्ता क्या कहलाता था सेट, ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बाद में ये सबसे पुराना सेट है, 17 साल पुराना सेट। यहाँ पर 4 से 5 जनरेशन आगे चले गए, बट अभी भी शूट चल रहा है और कहते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या कहलाता है अभी तक पता नहीं चला। ओके, वहाँ पर आपको दिखेगा गोपीना बिल्ला जो बोलती है हीरोइन की मैम अपने मायके चले जा रही हूँ। जो पासिंग का सीन हो रहा है, जो हम रोड पे आ रहे थे वहाँ पर हो गया, और उसका मायके कहीं और नहीं, 2 कदम पे अपने घर चले जाती है। ओके दादा, ये छोटे मोटे जो दुकानें दिख रहे हो सारे के सारे नकली है, उनका भी लंच ब्रेक हुआ है शायद से। आप जब छूटोगे यहाँ से, आपके जब शो खत्म हो गए जाते वक्त में आपको शायद से यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। सेम शूट हमारे बॉलीवुड थीम पार्क में भी चल रहा है, तो अगर पॉसिबल होगा तो वहाँ पर लोग दिखाएंगे आपको। ओके, लेफ्ट साइड में जो कोर्ट दिख रहे हो इसे कहते हैं हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, जयपुर हाई कोर्ट, जितने भी सुप्रीम और हाई कोर्ट बताया जाता है एक्चुअली मूवीज के अंदर, एक्चुअली यही बताया जाता है। सनी देओल का एक डायलॉग सुना होगा, तारीख पे तारीख मिल रही जज साहब, आने के लिए वड़ा पाव नहीं मिल रहा। एक्चुअली वो जो सीन है डायलॉग है एक्चुअली यहीं पे किया गया था, जॉली एलएलबी से लेके जॉली एलएलबी 2 जितना भी कोर्ट का सीन है एक्चुअली इसी के अंदर किया गया था, क्योंकि कोर्ट के अंदर एक्चुअली कोर्ट है, ऑडियंस के लिए बैठने के लिए कट गहरा, जज के लिए बैठने के लिए टेबल वेबल सब अरेंजमेंट अंदर की तरफ है। अपने तारक मेहता उल्टा चश्मा में जो जेटा भाई की जिंदगी में जो साहिबा नाम की लड़की आती है, उसके बाद में जो छोटा सा मोटा शॉट है जो कोर्ट के अंदर का, एक्चुअली इसी कोर्ट में हुआ था। जेटालाल की जिंदगी में आती है, जेटालाल की जिंदगी में आती है ना सर साहिबा नाम की लड़की। अभी शूटिंग कौन सी चल रही है? ओके, अभी जो शूट चल रही है भाग्य लक्ष्मी का चल रहा है, अंदर की तरफ चल रहा है, कुछ दिन बाहर ही चल रहा था। ओके, थोड़ा सा आपको चर्च की तरह एक दिखेगा आपको, ओके, वो चर्च की तरह एक्चुअली चर्च नहीं है, जाओ दादा पीछे टेम्पो है हमारी। ओके, चर्च नहीं है एक्चुअल में, जैसे कि बता दूं रिलीजियस प्लेसेस पर हमको शूट करना अलाउ नहीं है, गवर्नमेंट परमिशन दे सकती है। ओके, उसके लिए फिल्म सिटी वालों ने जो फ्रंटल एरिया शूट करने का रहता है उसी के लिए वो सेट बनाया गया है। अगर उस दरवाजे से अंदर जाओगे तो सीधा कोर्ट के अंदर निकलोगे, तो ये कोर्ट का बैक साइड एरिया है, तो बाकी के जितने शूट्स होते हैं वो चर्च के एक्चुअली सेट लगा के एक स्टूडियो में किया जाता है। जैसे कि आपने रियलिटी शो देखते हो सुपरस्टार सिंगर, डांस प्लेयर, डीआईडी सुपर मॉम, डीआईडी लिटिल मास्टर, चर्च, छोटे मोटे जितने अवार्ड फंक्शन होते हैं जी स्टार प्लस के, इसी स्टूडियो के अंदर होते हैं। जैसे ब्रह्मास्त्र मूवी आ रही है हमारी, ब्रह्मास्त्र मूवी का जितना एडिटिंग का पार्ट है एक्चुअली प्राइम फोकस स्टूडियो वालों के हाथ में ही है। जितने आपने कैमरे देखे होंगे नागिन सिंह के सेट पर गए थे, वहाँ पर जो बड़े बड़े कैमरा थे वो एक्चुअली प्राइम फोकस स्टूडियो के ही है। ये वैनिटी सब देख रहे हो एक्चुअली यहाँ पर अक्षरा और शायद से कुछ अभिमन्यु साहब आए हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता का शूट चल रहा है अंदर की तरफ आपका, उसको okay. मिल ले सकते हैं हम सेल्फी, तो क्या पता नहीं सर आपको मैंने में टीम मैनेजमेंट टीम अंदर है सर, उसके पीछे वैनिटी नजर आएगी, उसी के बाद में एक पुलिस वैन भी है। एक्चुअली कोर्ट क्या चल रहा है एक्चुअली ये एंट्रेंस उनके बच्चन साहब के लिए पर्सनली है, तो यहाँ से उनका जो गाड़ी का नंबर है MH02XY1100 ये रेंज रोवर उनकी है। वो सामने खड़ी है, यहाँ पर अभी अपना सफर कंप्लीट होता है, रोड पर बना देता है, शॉज आपके लिए वेट कर रहे हैं, आप जितना बैग खाने पीने का चीज लेके आए हो अपनी प्रॉपर्टी पोर्शन लेके उतरी। एक और बात देखो यार बॉलीवुड की, ये आपको रंग बिरंगे जो है घर मकान दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं, और ये पीछे देखो बिल्कुल जंगल है, ये है जी पीछे जंगल, आगे देखो कितने अच्छे अच्छे घर हैं। यहीं पे शूटिंग होती है मोस्टली फिल्मों की या सॉन्ग्स की। यही सेट्स जो है वो बार बार चेंज होती है। अभी हमारा टूर ख़त्म होने वाला है और टूर के लास्ट में एक बॉलीवुड थिएटर ये यहाँ पे 7D का शो होगा। अभी जो
हमारे से पहले टीम आई थी उनका भी शो चल रहा है, सेकंड हमारा होगा, उसके बाद फिर वापसी। और एक छोटी सी यहाँ पे कैंटीन है, वहाँ पे आप खा पी भी सकते हैं। चार्ज बदलने मेरा बात देखिए, वजन का जो भी है चेस्ट मूव होंगे तो साइड से पकड़ के बैठना। जितनी क्राउड है ना उतनी आवाज नहीं, आवाज चाहिए। ये बिना बात तो हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर जी अभी हम लोग ने हैंडसम नहीं देखा, मेरे को देख लो मार्केट में एक ही पैसों। सो व्हाट अ विजिट, बहुत अच्छा लग रहा है एक साथ आप सभी को देखते हुए। हाँ, ये भाई साहब गोवा जा रहे थे, गलती से गोरेगा आ गए। भाई साहब ये आपकी खुद की है ये बाल? मैं कलाकार, और बहुत ही ना आज आप लोग को देख के मेरे अंदर का शार जाग रहा है। और हैरी पॉटर कैसे हो? तो एक शायरी अर्ज किया सभी के लिए। बाबा ये पुष्पा बाबा नहीं बोलेगा? पुष्पा ये दाढ़ी वाले भाई साहब आप भी बोल सकते हो, कीजिए बाबा। हाँ तो अर्ज किया है, दिल ना मिलते तो मुलाकात अधूरी होती, दिल ना मिलते तो मुलाकात अधूरी होती, बातें तो होती मगर शायद अधूरी होती। शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया आप सबका, आप कहने से रौनक बढ़ी वरने महफिल आज भी अधूरी होती। ये हमारे गोरेगांव की आलिया भट्ट है, इतने बजट में इतना ही मिलता है। तो आपके लिए भी एक शेर अर्ज किया है, जंगल का शेर था रख ले, वैसे भी गवर्नमेंट कहती है शेर बचाओ शेर बचाओ, तो मैंने शेर को बचा लिया। आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय। तो वैसे आप सभी को तो पता है कि यहाँ ये जो फिल्म सिटी है यहाँ पर कई सारे प्रोग्राम के शूट चलते हैं। आप सभी को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि यू नो यहाँ पर अनुपमा ये रिश्ता क्या कहलाता है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इन सीरियल के कई सारे एपिसोड के शूट यहीं पर ही हुए हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हम सब लकी हैं कि यहाँ पर आप बैठ के प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। अगर ये बात सच है तालियों के माध्यम से मुझे बता दीजिए प्लीज, थैंक यू। अच्छा यहाँ पर शादीशुदा कितने हैं जो अपने ब्यूटीफुल वाइफ और हैंडसम हस्बैंड के साथ में आए हैं? आपकी वाइफ कहाँ है? सॉरी वाइफ कहाँ है आपकी? फिर भी मुस्कुरा रहे हो सर। आपकी शादी कितने साल हो गए? 17 years. मतलब अभी भी खतरे में हो आप, 17 साल हो गए खतरे में। कहाँ से आप? पंजाब से। ओके ओके, तो दीदी जैसे कि आप इनकी धर्म पत्नी है, मैं इनका धर्मशाला हूँ, तो एक सवाल तो बनता है इनसे, तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि माँ के आंसू और बीवी के आंसू में क्या फर्क होता है? अर्चना पुरन सिंह भी आई है, हाथ ऊपर कर ले। हाँ बोलिए। दोनों में अलग अलग फर्क है, वही फर्क वही पूछना, क्या फर्क है वही जो आपके दिल में है बता दीजिए। देखो मेरी बहन भी सुनने को एक्साइटेड है, आज सारा काम कराऊंगी घर का आपका। नहीं इसलिए मैं साइलेंट रहूंगा। साइलेंस रहोगे आप? आपके सामने कौन है? गोविंदा जी सर मैं, आप कहाँ से वैसे? बड़ोड़ा। करवा चौथ का व्रत तोड़ रहे हैं? ओके मैं आपका शुभ नाम सर?
तुषार जी आप बहुत है होशियार जी, तो मैं चाहूंगा तुषार जी आपको यहाँ पर दो मिनट के स्टेज पर आना है और आपको भी आना है वाइफ को लेके, आ जाइए जरा जोरदार तालियां हो जाए हमारे प्यारे कपल्स के लिए। और शरद जी का कौन है यहाँ पर, आपके हस्बैंड कहाँ बैठे हैं? पुष्पा जी के घर आए, आ जाओ, आइए ना, आइए प्लीज आ जाइए। और कोई शादीशुदा एनीवन जो अपने आपको शादीशुदा समझते हैं शादी होने के बाद भी है, हाँ कौन है वो? हाँ ओके, आ जाइए स्टेज पर, आ जाइए मंच पे आ जाइए, क्या बात है, जरा जोरदार तालियां हो जाए सभी के लिए। और सबसे पहले बताना चाहूंगा मेरे जोक्स के सारे पात्र काल्पनिक है, ठीक है, किसी लोगों से कोई संबंध नहीं, आप लोग खुलकर एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है मैं हमारे गोविंदा जी, वायर छोटा है बड़ा, अच्छा ओके, बजट बहुत ज्यादा है हमारा, हंसने की बात नहीं है। सो तुषार जी मैं क्या पूछा था, ये क्या है? तो खट्टा खाने का मन करता है कभी? इमली खाते हैं? तारा जी बोले की शूटिंग पूरी क्रोमा स्टूडियो में हुई है, ये जो मशीन ये घोड़े में कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से। सुशांत सिंह राजपूत को इस तरह से बुना दिखाया गया था, दंगल फिल्म में आमिर खान भीड़ की जो शूटिंग है इस तरह से की गई थी। ये जो हेलीकॉप्टर है ये स्टूडियो में हैंग हुआ था ना कि आसमान में, पुष्पा फिल्म का शूटिंग है ये, कुछ इस तरह से बनाया गया था। ये एक्चुअल लाल चंदन की लकड़ियां जो है ये एक्चुअल में थर्माकोल है, ये गाना भी स्टूडियो में ही शूट हुआ है, जैसे झरना पहाड़ वगैरह सब विजुअल इफेक्ट है, एयरपोर्ट भी कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं, एयरपोर्ट पे शूटिंग करना अलाउड नहीं तो कुछ इस तरह से एयरपोर्ट के सीन लिए जाते हैं। जितने भी हाइट वाले सीन है ना आप कुछ इस तरह से देखते हो, ये अवार्ड फंक्शन है। मोगली ऐसी फिल्म है इसमें एक ही कैरेक्टर ने परफॉर्म किया था, बाकी सब सीजीआई इफेक्ट है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेज। क्रिश हमारी ऐसी फर्स्ट मूवी है जो पूरी स्टूडियो के अंदर शूट हुई, इसका आउटडोर एक भी सीन शूट नहीं हुआ है। जैसे सिटी में अगर आप देख जितने भी विजुअल्स देखें ये सारे क्रोमा में शूट हुए हैं। ओके, तो इस तरह से ये जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं ना इस तरह से शूट होती है। अभी आपने जितने फिल्में देखी है आपको थोड़ा भी उसमें एडिटिंग दिखाई दिया क्या आपको? मतलब लाइक सब रियल, क्योंकि फिल्म की शूटिंग 10-15 दिन 40 दिन में खत्म होती है, पर फिल्म फ्लोर पे आने के लिए कम से कम ना 1.5 साल लगता है, इसके पीछे ये वर्क होता है। गाने हैं इससे वो बारिश की आवाज़ हम रिकॉर्ड करते हैं तो किस तरह से आवाज़ बनी है?